हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या थे आपको लेकर। ओके व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। ओके व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर सारे साइंस अवेलेबल रहते हैं इसीलिए ये रीडिंग सभी के लिए रहती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आपके लिए भी है। तो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करें और इस रीडिंग को लाइक करें। मैं तब तक आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, लास्ट है क्वीन ऑफ वेंट्स। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमारे पास जितने भी कार्ड्स आए हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं और अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कल रात आपके बारे में बहुत इमोशनल हो रहे थे, आपके लिए बहुत प्यार और फीलिंग्स महसूस कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप जितने पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर, जितने कॉन्सेंट्रेशन आपका अपनी लाइफ के ऊपर है, अपने ऊपर है, आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसको देख कर वो बहुत हैरान हो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। अब उनको अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आप जितने अंदर से बच्चे हैं, आपका दिल बहुत बच्चों जैसा है, इनोसेंट हैं आप, उतने ही समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं आप, जिस तरह से अपनी लाइफ को, लोगों को हैंडल कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और पास्ट को भूलकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें देखकर आपके पर्सन को कभी कभी जलन भी होती है। उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपको छोड़कर, आपसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती की है। अब उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई हैं और आपको पाने की तमन्ना रख रहे हैं। ऐसा लगता है कल रात आपके पर्सन आपको पाना चाहते थे, उनको आपके लिए काफ़ी सारा अट्रैक्शन फील हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि जब आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ में खुशियां सी थी, वो खुद को लकी मानते थे, उनको ऐसा लगता था कि आप उनके लकी चार्म हैं। पर कल रात उनको ये महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने लकी चार्म को खो दिया है। आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके पास अपना कहने के लिए भी कोई नहीं बचा। उनको ऐसा लगता था कि आप कभी उनको छोड़कर नहीं जाएंगे और वो आपके साथ फैमिली बनाएंगे, बट उन्होंने आपको अपना ईगो और घमंड दिखाने के साथ साथ आपको काफ़ी इग्नोर किया और आपके साथ उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा पास्ट में। बट आज कल रात आपके पर्सन और अभी भी आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं और आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी मिस्टेक थी कि आपको इग्नोर करना, क्योंकि आप तो सर आंखों पर बिठाने के काबिल थे और आपको कल रात वो बहुत मिस कर रहे थे। उनको ऐसा रहा था कि किस तरह से मैं अपने पर्सन को अपने लाइफ में वापस लाऊं। उनको ऐसा भी लग रहा था कि शायद आपने शादी कर ली है, आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, आप सेटल हो चुके हैं और उनको भूल चुके हैं। कल रात आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी ऐसी हिडन फीलिंग्स थी जो वो आपको बताना चाहते थे। कुछ के पर्सन ने तो उनको कॉल मैसेजेस करने का ट्राई भी किया, पर लगता है आपने उनको ब्लॉक करके रखा है इसीलिए वो आपको कॉल नहीं कर पाए, मैसेज नहीं कर पाए। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत प्यार है, बट उन्होंने जो पास्ट में किया उसके लिए उनको खुद को भी रिग्रेट है, वो गिल्टी महसूस करते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी दुआएँ भी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में और आगे बढ़ें, क्योंकि वो और कुछ तो आपके लिए नहीं कर सकते पर दुआ तो कर सकते हैं, वो आपको दुआएं दे सकते हैं और यही उनका कफ़ारा होगा। जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, जो भी उन्होंने गलतियां की हैं, उस सब को भूलकर वो लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो उनके पर्सन कल रात आपके लिए काफ़ी पैशन फील कर रहे थे, काफ़ी रोमांटिक हो रहे थे, उनके दिल में काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स थी आपको लेकर। उनको आपसे ज़्यादा खूबसूरत, क्यूट और इनोसेंट पर्सन कोई नहीं लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप में जितना बचपना है आप उतने ही समझदार हैं और आपके साथ अगर फैमिली बनाई जाए, आपके साथ शादी की जाए तो ये लाइफ टाइम चलेगी, आप उनके साथ बहुत हैप्पी रहेंगे और वो आपके साथ बहुत हैप्पी रहेंगे। उनको ऐसा भी लगता है कि आप फैमिली बनाने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं, क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका नेचर, आपका अंदाज़ ही कुछ अलग है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है बट आप जैसा ब्यूटीफुल, क्यूट और
लोगों को समझने वाला, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ईजिली करने वाला पर्सन उन्होंने पहली बार देखा है। उनको ऐसा लगता है जब भी कोई आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, आपकी तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि आप हैं ही इतने ब्यूटीफुल। ओके व्यूअर्स, आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं, तो उनको उनका पास्ट परेशान नहीं करता, वो अपने पास्ट को भूले रहते हैं। और कल रात भी आपके पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहे थे और उनको आपको याद करके पास्ट को याद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी।